मैं आया हूँ दीदी उनके घर 2 महीने बाद। तो गाइस अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और नहीं गाइस 3 बज रहे हैं और मैं आपको दीदी उनका कमरा दिखाता हूँ। तो गाइस चलिए देखिए गाइस ये दीदी उनके कमरे हैं। तो देखिए गाइस ये कमरा ये है, ये देखिए ये फ्रिज रखा हुआ है। गाइस गाइस और कमरे बताता हूँ। गाइस और कमरा ए है। गाइस इधर ना इधर टॉयलेट है, बाथरूम है। तो देखिए गाइस और लैट्रिन भी इधर है। गाइस गाइस देखिए सोफा है, ये कूलर है गाइस और ये अलमारी है गाइस। और गाइस ये देखिए पंखा है। तो गाइस ये ना राजन भैया उनकी ना भाभी उनका कमरा है गाइस, ये वाला देखिए गाइस कितना अच्छा कमरा है। और गाइस देखिए अब मैं तुमको ले जाता हूँ और कमरे बताने के लिए। तो देखिए गाइस ये ना जीना है छत पर जाने के लिए। तो देखिए गाइस मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए गाइस ये ना सीढ़ी है, इधर ना ऊपर छत है गाइस। अभी मैं नहीं जा सकता क्योंकि अभी गेट लगे हुए हैं, कोई भी नहीं जाता है। अभी गेट लगे रहते हैं ना तो कोई नहीं जाता अकेला। तो गाइस मैं नहीं जा रहा। तो गाइस ये वंदना दीदी हम जा रहे हैं। अरे गोविंद है गाइस, ये लक्का रहेगा हमारे, ये सुबह रहेगा हमारे। देखिए गाइस और मैं बताने जा रहा हूँ वंदना दीदी उनकी वीडियो की शूटिंग। अरे दीदी यार हाँ वंदना दीदी अंदर। हेलो गाइस, तो ये देखिए यहाँ पर वंदना दीदी उनकी वीडियो की शूटिंग चल रही है। ये गोविंद है और गाइस देखना अब रोल चलेगा गाइस। अरे देखना गाइस देखना, अच्छा देखो मारा घाटा बताओ। गोविंद ये मैं पागल ही नहीं छिड़ा रहा हूं, बता रही हूं उधर देख रहा है। हां इधर देख रहा है, खाना देखो न। अरे इतने सारे बर्तन डाले हुए, एक काम करता हूं मैंने इनको साफ कर देता हूं। इसको रख के अब चलिए। देखिए गाइस ये दीपक भैया है, ये वंदना दीदी है और वो गोविंद है गाइस। हाँ गाइस हमारे घर का कटाई हो चुकी है और जो पिंक कलर मम्मी का फेवरेट है तो देखते हैं इसको वीडियो में कैसा लग रहा है। हाँ गाइस बहुत अच्छा लग रहा है। गाइस देखना अब रोल चालू होगा। ये बर्तन है ठीक है, इधर नजर डालेंगे चपलन पे। चपलन पे चपलन पे नजर देखिए गाइस यहाँ से ये बाहर है। देखिए गाइस बाहर कितना अच्छा लग रहा है गाइस, देखना बाहर का नजारा गाइस कितना अच्छा लग रहा है। हाँ तो गाइस वो ईट गया है। रेडी। अरे इतने सारे बर्तन बगैर मजे पड़े हुए हैं बगैर मजे, क्या क्या बोला है बगैर मजे। चलो गाइस मैं इधर इतने सारे बर्तन बताता हूँ आपको। तो गाइस ये काम वाले हैं गाइस, ये काम करने आए हैं। तो गाइस ये काम करते हैं दीदी उनके यहाँ। तो गाइस देखिए गाइस इधर सोनम दीदी ऑन है। देखिए गाइस यहाँ पर सोनम दीदी ऑन बैठी है। दीदी क्या कर रहे हैं? दोस्तों मैं अभी सोकर के उठी हूँ और निखिल कूलर चल रहा है, फिर भी ब्लॉगिंग कर रहा है। निखिल को नहीं पता कि ढंग से आवाज़ नहीं आती कूलर में, इसके बावजूद भी निखिल लगा हुआ है। सो दोस्तों बहुत गंदी शक्ल आ रही है, सो हम जल्दी मिलते हैं। अभी मैं हाथ मुँह धुलूँगी फिर इसके बाद मिलते हैं निखिल ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोग एक वीडियो बनाने वाले हैं गरीब का पॉपकॉर्न। ये वंदना देखिए दोस्तों, ये बहुत ही धन मतलब दान पुण्य का काम करती है वंदना। मुझे रोज़ पानी भर के देती है, पूरे फ्लोर को सर से वॉट करी, झाड़ू लगाती है। और गाइस ये देख सकते हैं कपिल निखिल जो कि मैं करने वाली हूँ। और क्या ये गोविंद भैया ऐड कर रहे हैं हमारी, ये कौन बनाएंगे। और हम लोग पॉपकॉर्न बेचने वाले हैं दलिया में। और गाइस आने आ जाओ हमारे
पॉपकॉर्न ले खाने आ जाओ गाइस अगर आपको मन हो तो। सो दोस्तों ये निखिल भाई हैं जो भी कपिल की हेल्प करवा रहे हैं। गाइस मेरे से नहीं पढ़ते गाइस, ये निखिल से नहीं पढ़ते निखिल, आप छोटे बच्चे थोड़ी ना हो। अबे छोटी बच्ची हो क्या? हां यार अबे छोटी बच्ची हो क्या? गाइस बहुत चिर पिर की आवाज आ रही है। सो गाइस मैं करने वाली हूँ पुअर लड़की का रोल। और उस दिन हमारी वीडियो इनकम्प्लीट रह गई थी पानी पूरी वाली, जो कि कपिल ने एडिटिंग की थी। कपिल ने की थी ना? हाँ गाइस, हाँ कपिल की एडिटिंग हो गई है। सो हम लोग रोल करने वाले हैं गोविंद को, बहुत ही ज्यादा घमंडी दीदी, बहुत ही ज्यादा पसीना आ रहा है मेरा। गाइस देखिए पॉपकॉर्न सेट उतार के बताइए, पसीने बताइए मेरे धोतरे पे, धोतरे पे देख लो गाइस। इसका ले लो निखिल का किस। हाँ गाइस निखिल का सबसे क्यूट किस लगा मुझे। तो चलिए दोस्तों हम हमारे बाकी के आर्टिस्टों को बुलाते हैं। तो ये पसर रहे हैं गाइस, ये रोल करने वाले हैं घमंडी लड़के का। हाँ दीदी आंसू आ रहा है, आज ऋषिका को हम बहुत अच्छी लड़की बनाने वाले हैं वीडियो में। सही में आंसू नहीं दिख रहा है, देख लो। सो गाइस ये राकेश, देखो गाइस झूठ बोल रहे हैं। आज ऋषिका राकेश कितना गोरा आ रहा है देखना कैमरे में। हाय हाय मिला लो ना दीदी तो करे। हां ये गाइस देख सकते हैं नन्ना नन्ना गाइस हरकतें तो देखो सुअर हो जैसी बिल्कुल। सुअर तो फिर भी अच्छी करता है। दोस्तों मम्मी बैठी है बहुत थकी आ रही, सुबह से काम में लगी है, घर पुतवाने में लगी हुई है, पुतवाई करवा रही है। बंदा व्हाट आर यू डूइंग नाउ, यू आर रेस्ट? फेस वॉश नहीं किया था, अब जाके फेस वॉश किया 6 बजे। सो गाइस अब अच्छा लग रहा है, मेरी बहुत एनर्जी डाउन हो गई। गाइस आज हमने बंदा दीदी की वीडियो बना रहे थे तो बंदा दीदी बेचारी परेशान हो गई, गोविंद को रोल अच्छी लड़की है। पर्स टांग के आना है, कपड़ा जी वाले पहन लेना, एक प्रॉब्लम फिर नेक्स्ट में चेंज कर देना है ना। क्यों चलेंगे? वो तो ही चलेंगे है ना। मेरे दोस्तों अभी हमारी हो चुकी है शूटिंग कंप्लीट और देख सकते हैं ये रात हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है और मम्मी बैठी हुई है छत पे। बहुत दिनों बाद गाइस हमको चूल्हे की बाटियां खाने मिलने वाली हैं। और हमको पसंद है दोस्तों, इसलिए मैं बना रही हूँ मैं। हाँ दोस्तों देखना, मुझे लगता है कि सभी लोग चूल्हे की ही खाएंगे क्योंकि सबको आजकल चूल्हे की बहुत पसंद आने लगी बाटियाँ। जब भी बाटी बनाती हूँ मैं सोनम बोलती है मम्मी मुझे चूल्हे की बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं सोनम की वजह से बना रही हूँ ओवन में। चूल्हे की सॉफ्ट और मुलायम होती है इस वजह से। तो देखते हैं आज कैसा टेस्ट आता है। और दोस्तों आज से स्टार्ट करने वाली हूँ मैं जॉगिंग क्योंकि बहुत दिन ब दिन हेल्थ बहुत ज़्यादा ही बढ़ने लगी है, मोटापा वजन सब कुछ। सो मम्मी क्या मैं मोटी होने लगी? और क्या दोस्तों, मुझ में बहुत ज़्यादा ही वजन बढ़ गया, आप सोच भी नहीं सकते इतना। 1 क्विंटल और क्या। सो गाइस दिस इज़ द व्यू। गाइस कमेंट में बताना आपको ये सीन कैसा लग रहा है। शहरों में तो चारों तरफ बिल्डिंगें देखने को मिलती हैं, अब हमारे गांव में भाई आपको इधर देखने मिलेंगे पेड़ पौधे। ये रास्ता इधर से तो ये उसकी लाइटें चमक रही हैं और इधर हमारा गांव का मार्केट है और ये हमारा पूरा छत है गाइस। छत थोड़ा सा छोटा है गाइस, छत थोड़ा सा ही छोटा है, बस थोड़ा और बड़ा होना चाहिए था राइट। सो कमेंट में बताना दोस्तों आपको देखकर क्या लगता है। सो ये मम्मी बैठी हुई हैं और चलिए दोस्तों नीचे चलते हैं। दोस्तों अभी हमारी किचन की पताई हो रही है तो हमारा सारा सामान हो चुका है यहाँ पे शिफ्ट और भाभी सन रही हैं आटा और ये वंदना है जो कि कर रही है दोस्तों प्याज काटने का काम। वंदना की तबीयत ठीक नहीं है गाइस, बहुत ज़ोर से सर्दी जुकाम हो गया वंदना को, नाक बह रही थी आज। और भाभी का एक्सीडेंट बताऊँ, भाभी हम लोग बैठे थे राकेश के नाक बह रही सर सर करने लगा और अचानक से निकल ले आई इतनी जोर से, सब हंसने लगे इतनी जोर से। अरे बाबा तो बन नहीं रही भाभी, उससे सब कह रहे साफ करिया साफ करिया और क्या। फिर ना फिर ना आई गई राकेश निकल गई, लिए निकल आई
इसलिए। और तुम सबने वो नजारा देखो। मैं नहीं, मैं तो पहले से ऐसे दुपट्टा करके बैठी थी, मेला लोटन ने पूरी पकड़ के रख ली थी, मैं दर्शी करके बैठी थी, कान पे आवाज आ रही थी। अरे तो ये राकेश का बेडरूम में सामान रखा हो गया, कितना मस्त लग रहा है दोस्तों। देखिए एक नंबर, मुझे तो बहुत ही पसंद आ रहा है ये दोस्तों। और ये देखिए राकेश को गाइस, बहुत तेज सर्दी हो चुकी, नाक बह रही थी और फाइनली राकेश की नाक बहना कम हो गई है। और राकेश अभी कर रहा है दोस्तों आराम, और आराम होता है आराम दोस्तों, आराम ऐसा होता है हराम। देख सकते हैं गाइस राकेश की, कुछ बोलना चाहोगे? राकेश कुछ दो शब्द चलिए बस। अब मैं जाती हूँ दोस्तों, डिस्टर्ब नहीं करती एक सोने वाले को, सोने वाले इंसान को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, तो अब मैं जा रही हूँ। सो गाइस ये कलर मुझे बहुत प्यारा लगा, आई लाइक इट। तो दोस्तों ये देखिए घर का पानी खत्म हो चुका है, ये भैया ने भर ली है मटकी बिल्कुल एकदम ठंडे ठंडे पानी की, बोरिंग की। गाइस आप कमेंट में बताना, ये हमारे मम्मी पापा जी के बेडरूम के कलर के कमरे हैं, तो आपको कैसे लगे कलर? अभी लाइटिंग थोड़ी सी कम है, तो ये देखिए गाइस अब थोड़ा सा ठीक आ गया है लाइट, पर शक्ल ठीक ना हुई लाइटिंग से, इसके लिए हम चाहते हैं माफ़ी। तो चलिए दोस्तों अभी हम दिखाते हैं और हमारे बाकी के घर में क्या हो रहा है। सो गाइज दिस इज द बेडरूम ऑफ अवर भैया भाभी। तो गाइज अभी इस रूम में भी कलर होने बाकी है, जो कि हम आपको बाद में दिखा देंगे। और बहुत ये हमारा मेरा फेवरेट रूम है, मुझे सबसे फेवरेट लगता है। और बहुत से लोग हमारे इस रूम में आते हैं तो बोलते हैं होटल वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे, तो बट अभी ये साफ़ सफाई नहीं है, साफ़ सफाई होने के बाद भी एक नंबर क्लीन लगने वाला है ये रूम। हेलो भाई, देखिए हमारे घर में पेंटिंग का काम चल रहा है, कितनी सारी गंदगी मची हुई है पेंटिंग में, मची हुई गंदगी के डब्बे डब्बे जानने के लिए देखिए नीचे आप बॉटम में। कैमरा घुमाइए कृपया कैमरामैन। ये देखिए दोस्तों थोड़ी सी अच्छी आवाज़ में बोला करो कि सुनाई आए, दबी आवाज़ में ही तुम्हारा गला दबा के नहीं रखा किसी ने। हेलो भाभी ने नहीं पकड़ रखा गला, थोड़ा खोल के बोला करो। हेलो 1 2 3 माइक टेस्टिंग। सो दोस्तों ये देखिए ये लाइट भी काम नहीं कर रही, इसमें भी थोड़े से ये डार्क आ रहा है, पर है नहीं इतने डार्क है। सो दोस्तों ये नीचे रखी हुए हैं पैंट और घर की चल रही है पोताई, अभी किचन की हो चुकी है। चलिए मैं आपको एक बार किचन और बता देती हूँ। चलो बताओ। तो दोस्तों ये हमारे विजिटर हैं जो हमको ले जाएंगे किचन के कलर बताने। चलिए किचन के कलर, हाँ हमको। चलो गाइस लाइट चालू कर देते हैं। ये देखिए गाइस पंखा चालू मत करना। सो गाइस दिस इज द कलर ऑफ अवर किचन। तो ये किचन का कलर है, ये वाला कराया हम लोगों ने, और इधर वाली वॉल का कलर है ये। तो आई थिंक वीडियो में बहुत अच्छा आया करेगा, देखते हैं एक बार व्यू अच्छा लग रहा है गाइस। सो अभी कल हम लोग कराने वाले हैं हमारे वाले रूम का कलर। सो मैं तुम्हें कलर बता दूँ, चले कलर देखे। चलो हाँ मैं एक मिनट फाइल इजेक्ट करके आती हूँ, मैंने कॉपी पे लगा रखी है, कॉपी पे लगा रखी है, फाइल इजेक्ट करके आ जाऊँ। दोस्तों अभी देखिए बन रही है दाल, गर्मा गर्म दाल, और ये बनाने की जिम्मेदारी ली है वंदना ने, दाल बनाने की जिम्मेदारी। गाइस वंदना को 10 लगती है। सो वंदना ने इसमें कर दी है दोस्तों प्याज डाल दी है गर्म तेल में, प्याज और डाल मैं दी है। 3 चम्मच लाल मिर्च डाली, मैं सोच रही एक और फटक भी क्या। दाल में तो डाल सकते हैं वैसे और नहीं लगती। हाँ दोस्तों भाभी बहुत कम मिर्ची खाती है, इसलिए वंदना ने कम मिर्चियाँ ली है 3 चम्मच। और क्या क्या मिक्स किया है मिर्ची के पेस्ट में? जो वो जो सब करते हैं, धनिया है, गरम मसाला है और हल्दी है। तो ये धनिया हल्दी गरम मसाला है, और इसमें दोस्तों है हम लोगों ने कुकर उबाली थी। तो चलिए मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए दोस्तों कुकर का मतलब दाल का पूरा पानी, अरे यार कैमरे में दाल का पूरा पानी भीग चुका है। और दोस्तों मैंने सब्जी कितने टाइम से नहीं बनाई होगी, वंदना को क्या लगता है कितने टाइम से सब्जी नहीं बनाई मैंने?
पता नहीं आज भी नहीं आई लास्ट टाइम सब्जी कौन सी बनाई थी और कब बनाई थी। हाँ तो दोस्तों आई थिंक मैं इस घर में आई नहीं जब से मैंने एक भी बार सब्जी नहीं बनाई। शायद नहीं। हाँ हाँ शायद नहीं दोस्तों, बनाना ने सही कहा। हाँ मैंने और ये दाल बनने के बाद दोस्तों हम लोग मस्त दाल वापले खाने वाले हैं। और हाँ हमारी चाची का लड़का आने वाला है घर से सामान रखने गया हुआ है, तो आज से हम लोग थोड़ा सा जॉगिंग पर जाऊंगी दोस्तों उसके साथ 10 मिनट, बिकॉज मोटापा बहुत बढ़ने लगा है और वेट कम ना बहुत ज़रूरी है। नाइट वॉक पर जाएंगे, रात हो चुकी है, अंधेरा देखिए डार्क।